हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रा क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे एपीओ का सिलेबस एपीओ जिसे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहते हैं और हिंदी में सहायक अभियोजन अधिकारी तो चलिए देखते हैं सिलेबस आपका ये एग्जाम तीन स्टेप से होकर गुजरता है यानी कि तीन चरणों से होकर गुजरता है जिसमें स्पर्ट होता है आपका प्रलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स होती है second after qualifying preliminary uh, you will enter in main exams main exam aapka subjective types hota hai and at last interview to chaliye dekhte hain preliminary examination ki agar baat ki jaye to ye two part में होती है मतलब two parts का मतलब ये है कि एक GS का portion आता है आपका preliminary में और एक आता है law का portion. 50 question आपके GS से पूछे जाते हैं और हंड्रेड क्वेश्चन आपके लॉ से पूछे जाते हैं टोटल टू टु आवर की टाइमिंग होती है और वन फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जीएस का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं तो सबसे पहले जर्नल साइंस नॉर्मली जो ट्वेल्थ तक की साइंस uh, होती है उससे क्वेश्चन आते हैं आपके जर्नल साइंस में से आपके एट क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वहीं पर अगर सेकेंड टॉपिक की अगर बात की जाए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की तो उसमें से टेन क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया है यहाँ पर हमेशा याद रखिए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड नहीं है यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया से एट क्वेश्चन आएंगे उसके बाद आपके आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट उसमें से एट क्वेश्चन आएंगे उसके बाद फिर आती है आपकी फी एंड पॉपुलेशन यहाँ पे वर्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आपको दोनों पढ़नी है इसलिए एट क्वेश्चन वहां से आएंगे तो टोटल फिफ्टी क्वेश्चन यहाँ पे फुटअप uh, किए जाएंगे वही सेकेंड पार्ट अगर ब्लॉग की बात करें हम यानि नेक्स्ट हंड्रेड क्वेश्चन की अगर बात करें हम फिफ्टी हमारे जीएस के पीछे फर्स्ट पार्ट में हो चुके हैं और अब है हमारा लॉ का पार्ट तो लॉ में हमारे फोर सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं जिसमें से आपका आईपीसी है इंडियन एविडेंस एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर को जिसको आप सीआरपीसी बोलते हैं एंड यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन ठीक है तो आईपीसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं थर्टी फाइव क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे उसके बाद फिर इंडियन एविडेंस से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन CRPC से 25 क्वेश्चन एंड यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहीं पे अगर हम आते हैं कि आफ्टर प्रिलिमरी एग्जामिनेशन जब आपका मेंस होगा अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो तो उसके क्या क्या सब्जेक्ट होंगे तो फर्स्ट आपका रिटर्न एग्जामिनेशन मार्किंग में uh, अगर देखा जाए तो जर्नल नॉलेज 100 मार्क्स का होगा आपका जर्नल हिंदी उसका एक अलग से हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा क्रिमिनल लॉ एंड लॉ प्रोसीजर और क्रिमिनल लॉ में आपका पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस आएगा आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ये आपका क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर हो गया है उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ एविडेंस हंड्रेड मार्क्स का आपका लॉ ऑफ एविडेंस होगा ठीक है तो ये आपका मेन्स का हो गया है फोर पेपर होंगे मेन्स में आपके अलग अलग ठीक है जनरल नॉलेज का अलग होगा जनरल हिंदी का अलग होगा क्रिमिनल प्रोसीजर का अलग होगा और लॉ ऑफ एडेंस का अलग अलग होगा जैसे नीचे लिखा हुआ है टाइम ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर विल बी थ्री आवर और सभी पेपर अलग अलग टाइम में होंगे और टाइमिंग कितनी होगी एक पेपर की थ्री आवर की उसके बाद आता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू